अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम की तबलीग के नतीजे में ढाए जाने वाले जुल्म के बारे में, जिसमें अबू जहल, उकबा बिन मुईद और मोतम बिन अदी शामिल हैं, जो जुल्म करने में पेश पेश थे। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे अबू जहल के रियल नेम के बारे में और उसकी वाइफ के रियल नेम के बारे में और अबू जहल की गुस्ताखियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, लेकिन इससे पहले मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में इजाफा होता चला गया, इसी तरह कुरैश की हरकतों में, उनकी साजिशों में भी इजाफा होता चला गया। इनकी इन साजिशों को हम तीन बड़े उनवानात के तहत समझ सकते हैं। पहले नंबर पर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंटली टॉर्चर किया गया। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ब्लैक मैजिक के अटैक करवाए गए। और थर्ड नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्डर करने की भी साजिशें की गईं, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त बख्शी और इस्लाम का बोलबाला किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डटकर इन सब का मुकाबला किया। उन तीन हरबों में जो हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, उनको तफसील से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये नहायत ही दिलचस्प किस्से हैं और नहायत ही भयानक भी। सबसे पहला हरबा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपनाया गया, वो हज़रत अबू तालिब को भेजा गया उनके पास कि वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाएं। जब हज़रत अबू तालिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने की कोशिश की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, जिस पर हज़रत अबू तालिब ने उन्हें देखकर कहा, जाओ भतीजे, जो तुम्हारा दिल करे वही करो। कुरैश को अंदाज़ा हो गया कि हज़रत अबू तालिब उनका साथ नहीं देंगे, तो वो हज़रत अबू तालिब के पास आए और अमारा बिन वलीद को पेश किया कि वो इसको रख लें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले कर दें, ताकि वो इन्हें कत्ल कर सकें, क्योंकि उन्होंने उनके बाप दादा के दीन की खिलाफ मुखालफत की है। इस पर हज़रत अबू तालिब ने कहा, क्या तुमने कोई ऊँटनी ऐसी देखी है जो अपने बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे बच्चे की आरजूमंद हो सकती है? इनका जवाब सुनकर मोतम बिन अदी ने कहा, अबू तालिब, तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ इंसाफ का मामला किया और जो बात तुम्हें नापसंद है इससे छुटकारे के लिए कोशिश की। अब मुझे नहीं लगता कि तुम इनके अलावा कोई और पेशकश कबूल करोगे। अबू तालिब ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, उन्होंने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि तुम सब ने मिलकर गठजोड़ कर लिया है मेरे खिलाफ। अब इसलिए जब जो तुम्हारे दिल में आए वो कर लो। बाद में ये शख्स, यानी अमारा बिन वलीद और मोतम बिन अदी, कुफर की हालत में मरे। अमारा बिन वलीद का तो ये हाल था कि उस पर जादू कर दिया गया था और ये वहशत ज़दा होकर जंगलों और घाटियों में मारा मारा फिरा करता था। और इसी तरह दूसरा शख्स मोतम बिन अदी भी कुफर की हालत में मरा। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशों में इजाफा हुआ, तो हज़रत अबू तालिब ने बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुतलिब को बुलाया और अबू लहब को नहीं बुलाया था। बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुतलिब से दरख्वास्त की कि वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करें और उनका बचाव करें। उन दोनों ने उनकी बात ही मान ली। कुरैश के लोगों ने यह हरबाज ना आजमाया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की साजिशें करने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे, लेकिन उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहना शुरू कर दिया, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गमजदा हुए और अपने घर में आकर बिस्तर में लेट गए। जिस पर अल्लाह ताला ने सूरह मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूं दिलजोई फरमाई, ए चादर लपेट कर लेटने वाले, उठ और लोगों को खबरदार कर। ये सूरह मुदस्सिर की आयत है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उकबा बिन मुईद ने एक दिन मौका गनीमत जानकर गर्दन में चादर का चक्कर दिया और इस कदर ज़ोर से झटका दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर गिर पड़े। और इस पर बदतमीज़ उकबा और इसके जाहिल गंवार जो साथी थे वो हंसने लग पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है, जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जो बेहद, इसका मतलब होता है बेहद तारीफ़ किया जाने वाला या काबिल तारीफ़। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मम कहना शुरू कर दिया, तो बस्तगफार, यानी काबिल मुज़म्मत कहना शुरू कर दिया। इसके बाद एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में इबादत में मगन थे कि कुरैश का बड़ा सरदार अबू जहल अपने बदमाश साथियों के साथ वहाँ पर आ निकला और ऊँट का फजला लाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंक दिया। किसी ने इस बात की खबर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दी, तो वो इस वक्त भागी भागी आई। उनकी उम्र 5 से 6 बरस थी। उन्होंने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस गंदगी को साफ़ किया और बदतमीज़ अबू जहल और उकबा को सख्त बातें सुनाई। अबू जहल का पूरा नाम उमर बिन हशाम था। इसका एक और लकब अबुल हकम भी था और इसे अबू जहल कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इग्नोरेंस। इसकी वाइफ का नेम है मुजल्दिया बिनते अमर अरवा बिनते अबी अल एस।
ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एनिमीज में से एक था। एक दिन अबू जहल मस्जिद हराम में मौजूद था कि वहाँ पर उसने कहा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते हुए देख लूँ तो मैं उनकी गर्दन मार दूँ। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, ये सुनकर मैं फ़ौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ गया और आपको बताया कि अबू जहल ये कह रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गुस्से की हालत में बाहर निकले और तेज़ तेज़ चलते मस्जिद हराम में दाखिल हो गए। यहाँ तक कि गुजरते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार की रगड़ लग गई। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अलक की आयत नंबर 1 और 2 पढ़ रहे थे, जिसका तर्जुमा है, ऐ पैगंबर, आप अपने रब का नाम लेकर कुरान पढ़ा कीजिए, वह जिसने मखलूकात को पैदा किया, जिसने उन्हें खून के लोथड़े से पैदा किया। तिलावत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत की आयत नंबर 6 तक पहुंच गए, जिसका तर्जुमा है, सचमुच बेशक काफिर आदमी हद से निकल जाता है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह का आखिरी हिस्सा पढ़ा, जहाँ सजदे की आयत मौजूद है, और इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए। इसी वक्त किसी ने अबू जहल से कहा, अबुल हकम, ये मोहम्मद सजदे में पड़े हैं। ये सुनते ही अबू जहल फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक पहुँचा, लेकिन फिर अचानक वापस हो गया। लोगों ने हैरान होकर पूछा, अबुल हकम क्या हुआ? जवाब में उसने और ज़्यादा हैरान होकर कहा, जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम्हें वह नज़र नहीं आ रहा? उसकी बात सुनकर लोगों ने कहा, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है अबुल हकम? इस पर अबू जहल ने कहा, मुझे अपने और उनके दरमियान आग की एक खंदक नज़र आ रही है। इसी तरह एक दिन अबू जहल ने कहा, ऐ गिरोह कुरैश, जैसा कि तुम देख रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दीन में ऐब निकाल रहे हैं और तुम्हारे दीन को बुरा भला कह रहे हैं, तो मैंने प्लान बनाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना बड़ा पत्थर लेकर बैठूंगा जिसका वह बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और जो ही वह सजदे में जाएंगे मैं यह पत्थर उनके सर पर दे मारूंगा, और क्या तुम लोग इस मामले में मेरी मदद करोगे? कुरैश के लोगों ने कहा, हाँ, हम तुम्हें दगा नहीं देंगे। दूसरे दिन अबू जहल अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा भारी पत्थर लेकर वहाँ पर आ गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगा। इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आदत थी कि सुबह की नमाज के बाद वहाँ तशरीफ़ ले आए। इस वक्त आपका किबला बैतुल मुकद्दस की तरफ था। आप नमाज के लिए रुकने यमानी और हिजर अस्वद के दरमियान खड़े हुआ करते थे। काबा को अपने और बैतुल मुकद्दस के दरमियान कर लिया करते थे। आपने आते ही नमाज की नियत बांध ली। इधर कुरैश के लोग अपने अपने घरों में बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि देखें आज क्या होता है, अबू जहल का प्रोग्राम कामयाब होता है या नहीं। जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया। जैसे ही वो आपके नज़दीक हुआ, एकदम उस पर लर्जा तारी हो गया और चेहरे का रंग उड़ गया। घबराहट के आलम में वहाँ से पीछे हट गया। इधर पत्थर पर उसके हाथ इस तरह जम गए कि उसने चाहा हाथ इस पर से हटा ले, लेकिन हटा ना सका। कुरैश के लोग फौरन इसके गिर्द जमा हो गए। अबुल हकम क्या हुआ है? उसने जवाब दिया, मैंने रात को जो तुमसे कहा था उसको पूरा करने के लिए मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उनके करीब पहुंचा, एक जवान ऊँट मेरे रास्ते में आ गया और इतना ज़बरदस्त ऊँट मैंने आज तक नहीं देखा। यूँ लग रहा था कि वह मुझे खा जाएगा। जब इस वाक़े का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने फरमाया, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, अगर वो मेरे नज़दीक आता तो वो ज़रूर इससे पकड़ लेते। इसी तरह एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे कि अबू जहल आपके पास आया और बोला, क्या मैंने आपको इससे मना नहीं किया था? आप जानते नहीं मैं सबसे बड़ा ग्रोह वाला हूँ। इस पर सूरह अलक की आयत नंबर 17 और 18 नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा है, सो ये अपने ग्रोह के लोगों को बुला लें, अगर इसने ऐसा किया तो हम भी दोज़ख़ के प्यादों को बुला लेंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर अबू जहल अपने ग्रोह को बुलाता तो अल्लाह ताला के अज़ाब के फरिश्ते उसे पकड़ कर तहस नहस कर देते। एक रोज़ हज़रत अबू जहल हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और आपसे मुखातिब हुआ, आपको मालूम है मैं बदहा वालों का मुहाफ़िज़ हूँ और मैं यहाँ एक शरीफ तरीन इंसान हूँ। इस वक्त अल्लाह ताला ने सूरह दुखान की आयत नंबर 49 नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा है, चख तो बड़ा मौसिस मुकर्रम है। आयत का ये तर्जुमा दोजख के फरिश्ते अबू जहल को डालते वक्त फुटकारते हुए कहे। अबू जहल के इन साजिशों का शिकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकअल्लाहु खैरा।